सब्सक्राइब कीजिए ओमजी एक्सप्लोरर को, बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले पाने के लिए, और यह है बिल्कुल फ्री। तो फ्रेंड्स, आज मेरे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है और बहुत ही मज़ेदार न्यूज़ है, तो देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक, वरना आप लोग बहुत कुछ मिस कर जाओगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल ओमर्जी एक्सप्लोरर सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिख रहे रेड कलर के बटन को टच करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और बाद में आने वाले बेल के आइकन को टच करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, सलमान खान की एंट्री सोनम कपूर की शादी में बहुत ही ज़्यादा धांसू रही। दोस्तों, सबसे ज़्यादा अच्छी एंट्री सलमान खान की ही रही, और मीडिया में भी तब बहुत ज़्यादा खलबली मच गई जो लोग वहां फ़ोटोज़ खींच रहे थे जब सलमान खान ने एंट्री की। दोस्तों, सलमान खान ने मीडिया के सामने सबसे पहले बाहर खड़ी कैटरीना कैफ को इग्नोर किया, लेकिन दोस्तों अंदर की कुछ ऐसी फ़ोटोज़ हमारे सामने आई हैं जिन्हें देखने के बाद लग रहा है कि शायद सलमान खान कैटरीना कैफ के साथ वहाँ पर पार्टी में खूब धमाल मचा चुके हैं। दोस्तों, सलमान खान कैटरीना कैफ से काफ़ी देर तक बात करते रहे, उसके बाद जब उनकी एंट्री कंप्लीट हो गई थी और साथ ही साथ अंदर सलमान खान ने जब गाना स्टार्ट किया मीका सिंह के साथ, तो वहां पर कैटरीना कैफ ने डांस करना भी स्टार्ट किया। हालांकि वहां पर जैकलीन ने भी डांस किया था सलमान के साथ। तो ऐसे में दोस्तों, इस पूरी कॉन्ट्रोवर्सी या फिर कह लें कि इस पूरे सीन को देखकर रणबीर कपूर काफ़ी ज़्यादा उदास दिखे। दोस्तों, हालांकि हम सब लोग जानते हैं कि कुछ टाइम पहले रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ की शादी को लेकर भी हमारे सामने काफ़ी सारी न्यूज़ सामने आई थी, लेकिन दोस्तों अभी की न्यूज़ के हिसाब से जो बात आ रही है वो ये आ रही है कि जब सलमान खान कैटरीना कैफ के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे उस पार्टी में, तो रणबीर कपूर काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे, और साथ ही साथ उन्होंने भी आलिया भट्ट के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया था, जिसको देखते हुए आलिया भट्ट के एक्स बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ मल्होत्रा के चेहरे पर बिल्कुल भी शिकन नहीं थी, या फिर कह लें कि उन्हें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन दोस्तों, जब कैटरीना कैफ के साथ सलमान खान कुछ टाइम स्पेंड करने लगे, तो वैसे में साफ साफ रणबीर कपूर के चेहरे पर टेंशन देखी जा सकती थी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप नीचे कमेंट करके बताना। दोस्तों, आप लोग क्या सोचते हो इसके बारे में, या फिर इस कंट्रोवर्सी के बारे में जो बॉलीवुड में चल रही है, नीचे कमेंट करके बताना। और आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में कि इस कंट्रोवर्सी से किसे ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।